नमस्कार, जी हिंदुस्तान देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया है मैं यूपी में हूं का। दरअसल आज बात कुछ अहम खबरों की होगी, जिसमें आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतापगढ़ में जमकर अखिलेश यादव पर तंज कसा, साथ ही भाई बहन पर निशाना साधा, तो मंच पर चाचा भतीजे की विवाद की भी याद दिलाई और साथ ही ये बताया कि कैसे बुआ बबुआ की सरकार में कैसे क्या कुछ बदलाव हुए थे जो जनता के लिए ठीक नहीं थे। इन तमाम अहम खबरों पर हमारी नजर होगी, हम अलग अलग शहरों का रुख करेंगे, हमारे तमाम सहयोगी भी जुड़े हैं उनसे भी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर कानपुर से आ रही है। आपको बता दें पीयूष जैन को कोर्ट में पेश किया गया, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। इत्र कारोबारी पीयूष जैन को जीएसटी ने पेश किया है कोर्ट में और पेशी के बाद ये बड़ी खबर है, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। पहली बड़ी खबर यह कि पीयूष जैन को कोर्ट में पेश किया गया है और आपको बता दें कानपुर कोर्ट पहुंची है टीम। पीयूष जैन के घर से 287 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीयूष जैन की गिरफ्तारी से जुड़ी ये बड़ी खबर है। कानपुर कोर्ट में इत्र कारोबारी पीयूष जैन की पेशी हुई है, जीएसटी की टीम पीयूष को लेकर कानपुर कोर्ट पहुंची। पीयूष जैन के घर से 287 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। अब आगे तय होगा कि आखिर कोर्ट से क्या कुछ होता है, लेकिन इतना जरूर है कि पीयूष जैन की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, चाहे उनका पैतृक घर हो या फिर कानपुर वाला घर हो, 287 करोड़ रुपए अब तक बरामद हुए हैं। देखिए फिलहाल तैयारी जो है वो कर ली गई है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं कि हम इस वक्त काकादेव कोतवाली मौजूद हैं और आप यहां तस्वीरें देख सकते हैं कि यहां सिक्योरिटी जो है वो तैनात हो गई है। और अभी से कुछ देर के बाद, चूंकि आज कोर्ट की छुट्टी है, तो ऐसे में स्पेशल कोर्ट जो है भ्रष्टाचार की, उसमें आज पेशी होगी और करीब 1 बजे के आसपास का समय बताया जा रहा है। हालांकि अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन आपको एक तस्वीरें दिखाता हूं। वो तस्वीरें बहुत खास है क्योंकि पीयूष जैन की जो तस्वीर है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि पीयूष जैन, जिसको लेकर तमाम जो छापेमारी तमाम जगहों पर हो रही है, उसकी कल देर रात गिरफ्तारी हुई है, इसी की पेशी आज होगी। आप तस्वीरें में देख सकते हैं कि इस वक्त अरबों रुपए का मालिक पीयूष जैन, जिसने कल देर रात यहां पर अली के अंदर जमीन पर अपनी जो रात है वो गुजारी है, और आप देख सकते हैं सुबह से चूंकि इसका मेडिकल कराया गया है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि 1 बजे के आसपास जो है वो इस पूरे मामले में पेशी के लिए यहां से ले जाया जाएगा। एक जो अहम खुलासा हुआ है उसमें ये आपको बता देता हूं, एक अपडेट है कि इस पूरे मामले में जल्द ही ईडी जो है वो एंट्री करने वाली है। ईडी की जो लखनऊ यूनिट है उसने अपनी जो कार्रवाई है उसकी शुरुआत कर दी है, कागजी कार्रवाई, क्योंकि कई ऐसे बैंक अकाउंट्स की जानकारी मिली है जिसके आधार पर ईडी अब अपनी जांच तेज करेगी, क्योंकि बताया जा रहा है कि विदेशों में भी रकम जो है वो जो है इस पर खपाई गई थी, और इसीलिए ईडी अब इस पूरे मामले में जल्द ही जो है जांच करेगी। अगले 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर ईडी जो तमाम जो दस्तावेज है उनको मंगाएगी, उसके बाद उस पूरे सीरीज के जो नोट्स हैं उनको जो है क्लियर किया जाएगा, क्योंकि जो नोट्स मिले हैं नोट के अंदर जो सीरीज है वो बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है। और इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ईडी ये जो है इस पूरे मामले को लेकर तो जांच करेगी, लेकिन जो तमाम और जांच एजेंसीज हैं वो अब इस बारे में जांच करेंगी कि ये नोट कहां से आए थे, किन किन सीरीज के नोट थे, किन बैंक से ये इशू हुए थे। तो इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए मेरे अलग अलग शहरों से मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मेरे साथ अयोध्या से पूजा शर्मा है, मेरे साथ प्रयागराज से करिश्मा सचदेव हैं, वाराणसी से प्रिया सिंह सोमनसी हैं, और कन्नौज से मेरे सहयोगी तुषार इस वक्त जुड़े हैं। तुषार, सबसे पहले आपके पास आते हुए, बड़ी बात यह है कि पेशी हो गई है कोर्ट में, आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी, क्योंकि जमानत तो इतनी जल्दी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि आगे पूछताछ होगी और पूछताछ में और भी बड़े कालाधन का खुलासा हो सकता है। बिल्कुल, देखिए जो पीयूष जैन है उसकी कोर्ट में पेशी कर दी गई है, पुलिस अब इसकी 14 दिन की कस्टडी रिमांड मांगेगी, क्योंकि उस कई ऐसे सवाल हैं जो अभी तक पुलिस को नहीं पता चल पाए हैं। जो सीजीएसटी है वो अब पूरे पैसे को लेकर जमा कर देगी एसबीआई में, और उसके अलावा जो वहां पे अपील कर देगी कोर्ट में, और उसके बाद फिर अब ये जो जांच होगी, अब उसके बाद ये जांच अब पुलिस करेगी। पुलिस के पास भी कई ऐसे सवाल जो अभी तक उसको जवाब नहीं मिल पाए हैं। साथ ही इस पूरे मामले के जो मामले में एक बड़ा पहलू सामने आया है कि काला धन, तो काले धन को लेकर ईडी भी इस पूरे मामले की जांच करेगी। साथ ही अगर कोई विदेशी फंडिंग इसमें पता चलती है कि कोई विदेशी फंडिंग हुई है तो सीबीआई भी इस पूरे मामले की जांच कर सकती है। लेकिन अभी सबसे खास बात है कि उसको कोर्ट में पीयूष जैन को पेश कर दिया गया है और बाद में रिमांड पे ली जाए, या तमाम और जो जांच एजेंसी है वो रिमांड लेके इसमें पूछते रहे, क्योंकि देखिए बिल्कुल चूंकि माहौल जो है इस वक्त काफी गर्म है, क्योंकि बड़ा मामला है और
अभी तक की सबसे बड़ी रिकवरी के तौर पर इसको देखा जा सकता है। तो सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि हम देखिए बिल्कुल कोर्ट रूम के ठीक बाहर मौजूद हैं, बस इंतजार किया जा रहा है कि यहाँ पर पीयूष जैन जब बाहर निकलेगा तो क्या कुछ कोर्ट कहेगा, ये देखना होगा। लेकिन इस पूरे मामले में जो तमाम तथ्य सामने आए हैं, अभी तीन जो बैंक अकाउंट्स हैं उसके बारे में जानकारी सामने आई है और ये बताया गया है कि उन्हीं अकाउंट से जो नोट मिले हैं, जो कन्नौज वाले नोट हैं, उनकी सीरीज वाले एक साथ जो नोट है उनके बारे में जानकारी हासिल हो चुकी है। मतलब साफ है कि अब धीरे धीरे जो जांच है वो तेजी से आगे बढ़ रही है। हालांकि इसमें कई ऐसे लूप पोल्स हैं जिसको लेकर भी बातचीत हो रही है, तमाम और भी जांच एजेंसी इसमें आने वाले दिनों में जी। तो जी मीडिया हमारे सहयोगी लगातार बता रहे हैं कि कैसे वहां पर लगातार कानपुर में उसकी पेशी हुई और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कालाधन कैसे पता चला और फिर कैसे आएगा। और इस वक्त हमारे साथ अलग अलग शहरों से हमारे सहयोगी बने हुए हैं लगातार। बड़ी बात यह है पूजा कि आने वाले वक्त में आखिर जिस चीज का जिक्र हम कर रहे थे कालाधन, अब वो सरकारी एजेंसियां भी मान रही हैं और अब इसीलिए संभवतः ईडी भी आ गई है और ईडी भी अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। बिल्कुल, देखिए इतनी बड़ी रिकवरी हुई है अंजीत, किसी ने सोचा भी नहीं था। करीब करीब 300 करोड़, 287 करोड़ की ये रिकवरी बहुत बड़ी रिकवरी होती है और सिर्फ घर में ही ये छिपाकर रखी गई थी। देखिए तमाम जो पॉलिटिकल कनेक्शंस इसको देखकर सामने आ रहे कि पॉलिटिकल पार्टी से उनका कनेक्शन हो सकता है, बीजेपी आरोप लगा रही है समाजवादी पार्टी से इसका कनेक्शन रहा है क्योंकि समाजवादी इत्र पीयूष जैन ने ही लॉन्च किया था। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरफ से जो ट्वीट किया गया है वो लगातार तमाम सबूत समाजवादी पार्टी की तरफ से उनके तमाम नेता पेश कर रहे हैं कि उनकी पार्टी से उनका कोई संबंध नहीं है। और जो जानकारी निकल कर आ रही है अंजीत वो ये कि हो सकता है ये फंडिंग का पैसा हो, चुनाव में इस्तेमाल किए जाने वाला पैसा हो। तो ऐसे में ये भी जानकारी मिल रही है अंजीत कि हो सकता है तमाम पार्टियों को जो है यहां से फंडिंग की जा रही हो, पीयूष जैन जरूर फंडिंग करता हो, ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं। अब इसके पीछे कितनी सच्चाई होगी वो आने वाला वक्त बताएगा जब रिमांड में पूछताछ की जाएगी यहां पर पीयूष जैन से। देखिए बहुत बड़े सवाल है, कई सवाल है जिनके सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश यहां पर जो है अधिकारी करेंगे और इस वक्त देखिए पूरे देश की निगाह इस पूरे मामले पर टिकी हुई है। इतना धन, इतना काला धन, कानपुर से कन्नौज तक इतना बड़ा कारोबार और यह भी पता लग रहा है कि विदेशों तक में पैसा जो है पीयूष जैन का लगा हुआ था। तो ऐसे में अब क्या सच्चाई है, ये पैसा कहां से आया है, कहां जाना था, क्या इसका इस्तेमाल इन आने वाले पूजा बने रही हम लौट रहे हैं आपके पास आगे आएंगे इस बड़ी खबर के लिए। क्या सिर्फ इत्र का कारोबार था पीयूष जैन का या कोई और भी कारोबार था, आगे खुलासा। प्रिया सिंह सुमनसी का रुख करते हैं, उनके पास एक बड़ी खबर है। प्रिया बताइए क्या बड़ी खबर। बिल्कुल इस वक्त की बड़ी खबर अपने तमाम दर्शकों को बता दें, अब समाजवादी पार्टी के इत्र को लेकर सीएम योगी भी हमलावर हो चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इत्र को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि इस इत्र की खुशबू की जगह अब बदबू आनी शुरू हो गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ अखिलेश पर करारा प्रहार, कहा समाजवादी इत्र नहीं समाजवादी बदबू है। अखिलेश यादव ने आपको बता दें कि समाजवादी इत्र लॉन्च किया था, पीयूष जैन ये वही शख्स हैं जिन्होंने समाजवादी इत्र को लॉन्च किया। और अब देखिए जिस तरीके से लगातार इसमें नए नए खुलासे हो रहे हैं उससे पीयूष जैन की मुश्किलें बढ़ रही हैं। एक बार सुनाते हैं योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, सुनिए। जो कहता था कभी समाजवादी इत्र की बात करता था तब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा था ये समाजवादी इत्र नहीं समाजवादी बदबू है जो गरीबों की बद्दुआ को लेकर के प्रदेश के अंदर फैलाया जा रहा है। महकते हुए जाएंगे उन्हें समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा याद दिलाते हुए जाएंगे। रंग भी लाल हरा रखा है आपने, अगर कहीं दूसरी जगह चली जाइए बोतल खुशबू बदल पाए ना बदल पाए लेकिन रंग जरूर बदल देंगे। तो कैसे आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है राजनीति में और 2022 करीब है तो देखने को मिलेगा। पूजा का रुख करते हैं, उनके पास एक बड़ी खबर है। पूजा बताइए क्या आपके पास बड़ी खबर। बिल्कुल अंजीत, इस वक्त जो बड़ी खबर सीएम योगी किस तरह से अखिलेश और मायावती पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं, सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि किस तरह से गरीबों का पैसा लूटकर नोटों को दीवारों में चिनवाया जा रहा था, ये आरोप लगा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब समझा बबुआ ने नोटबंदी का विरोध क्यों किया, ये बात कही है मुख्यमंत्री योगी ने। आज नहीं तो कल ये नोट निकलना ही था, गरीब का आशीर्वाद भी लगता है और हाय भी। देख किस तरह से पीयूष जैन के मामले में जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, जिस तरह से बड़ी संख्या में जो कैश नकदी बरामद हुई है उसको लेकर यहां पर आरोप लगाया सीएम योगी आदित्यनाथ ने और क्या कुछ कहा ये सुनते हैं। पहले पैसा आज 43 लाख गरीबों के मकान बन रहे, पहले पैसा कहां चला जाता था,
ये गरीब का पैसा ही है जो सपा बसपा और कांग्रेस के नेता लूट करके अपने घरों को बनाते थे, आज वही पैसा दीवारों से कैसे निकल रहा आप देख रहे होंगे, कमरे के कमरे नोटों से भरे पड़े हैं। अब आपकी भी समझ में आ रहा होगा कि बबुआ नोटबंदी का विरोध क्यों करता था, अब तो समझ में आया होगा ना, नोटबंदी की का विरोध क्यों करते थे लोग, इसीलिए करते थे क्योंकि ये अवैध कमाई जाएगी कहां, ये आज नहीं तो कल पैसा निकलना ही निकलना है और गरीब का आशीर्वाद भी लगता है और गरीब की हाय भी बहुत तेजी से लगती है। तो अलग अलग शहरों से हमारे सहयोगी बने हुए जो बता रहे हैं कि कैसे इत्र को लेकर पूरी राजनीति भी हो रही है। एक और अहम सवाल हम तुषार से करना चाह रहे हैं। तुषार, एक बड़ी बात यह है कि कानपुर से लेकर कन्नौज तक ये सवाल सबके जहन में है कि क्या इत्र का ही कारोबार था या और भी कारोबार थे पीयूष जैन के। ये सवाल यहाँ के लोगों का भी है और ये सवाल यहाँ के जो व्यापारी हैं इत्र का जो कारोबार करते हैं उनका भी यही सवाल है कि देखिए इत्र इतना पैसा कभी नहीं आ सकता है। और अब जब ईडी जांच करेगी, जब इस पूरे मामले की सीबीआई जांच करेगी, तभी अंजीत खुलासा हो पाएगा कि क्या इनका क्यों इत्र का कारोबार था। लेकिन जितना पैसा इनके पास से कैश में बरामद हुआ है, प्रॉपर्टी तो अभी अलग की चीजें हैं, अलग की बात है, लेकिन केवल में इतना पैसा बरामद हुआ तो निश्चित तौर पर यह जरूर कहा जा सकता है कि इत्र के पैसे से इतना ज्यादा कारोबार नहीं हो सकता। और मैं जिस कॉलोनी में हूं, जो छिपटी कॉलोनी है ये कन्नौज की, यहां पे हर तीसरा घर इत्र के कारोबार से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन उनकी कंडीशन और इनकी कंडीशन में जमीन आसमान का फर्क दिखता है। इसीलिए अब जो डाउट है वो यही डाउट है कि इनका केवल इत्र का कारोबार नहीं था। और अब जब ईडी जांच करेगी तब यह खुलासा होगा कि क्या ये पैसा किसी और काम से आया था तभी या किसी और काम के लिए पैसा कहाँ। और हम तो लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ये पूरा पैसा कहाँ से आया, क्या इसका इस्तेमाल चुनाव में हो रहा था। तुषार बने रहिए, लौट रहे आपके पास, सीधे कानपुर का रुख करते हैं। विशाल रघुवंशी मेरे साथ जुड़ गए कोर्ट के बाहर से। विशाल बताइए क्या अपडेट है आपके पास। देखिए तस्वीरें आपको दिखाते हैं और पीयूष जैन जो काले साम्राज्य का काला कारोबारी है वो इस वक्त कोर्ट में मौजूद है। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं और जो 250 करोड़ रुपए की जो ऊपर की संपत्ति है वो फिलहाल इस वक्त चूंकि बरामद हो चुकी है, इसके साथ साथ सोना चांदी तमाम चीजें जो है बरामद हो चुकी हैं और यही वजह है कि तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त कोर्ट में मौजूद हैं। और यहाँ की जो तस्वीर है वो बयां करती है कि वाकई में जो सबसे बड़ी रिकवरी है वो अभी तक हुई है और अभी भी लगातार जिस तरह से तमाम संपत्ति है जिसके बारे में जानकारी इकट्ठी हो रही है उसके बाद तो बिल्कुल तय माना जा रहा है कि इसका कहीं ना कहीं कुछ और कनेक्शन भी है। फिलहाल ये तस्वीरें हैं कानपुर में कोर्ट रूम के बाहर की, आप देख सकते हैं तमाम जो भारी पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात है, आरआरएफ भी तैनात किया गया है और पीयूष जैन इस वक्त कोर्ट रूम के अंदर मौजूद है। फिलहाल अभी चूंकि कोर्ट शुरू नहीं हुई है ऐसे में कोर्ट कुछ देर के बाद यहाँ पर बैठेगी, लेकिन जो तस्वीर है वो यही है कि पीयूष जैन के बारे में तमाम और भी जानकारियां इकट्ठी की जा रही हैं। ईडी ने भी अब जल्दी कितनी देर में कोर्ट में सुनवाई शुरू हो जाएगी और पीयूष जैन, तो देखिए पीयूष जैन को जमानत तो जल्दी मिलनी नहीं है, लेकिन क्या अधिकारी मांग करेंगे, कितने दिन की रिमांड की मांग करेंगे ये अधिकारी ताकि कम से कम काले साम्राज्य का और ज्यादा खुलासा हो सके। देखिए आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि हम कानपुर के ही कोर्ट में मौजूद हैं और ये महानगर मजिस्ट्रेट कॉर्पोरेशन कोर्ट है और चूंकि रिमांड कोर्ट ये कहा जाती है तो ऐसे में कोशिश ये रही कि रिमांड पे लिया, लेकिन ये यहाँ पर जो तैयारी है जो यहाँ पे इनपुट है उसके अनुसार फिलहाल यहाँ पर सीधे जेल भेजने की बात कही जा रही है। मतलब साफ है कि जो जांच एजेंसी है वो आने वाले दिनों में 2 या 3 दिनों में एप्लीकेशन देंगी रिमांड की, उसके बाद इसको रिमांड पे लिया जाए ये भी संभव है क्योंकि अभी भी लगातार जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको जो है कलेक्ट किया जा रहा है। कुल 171 पन्नों की जो जो पूरा जो साक्ष्य हैं उनको कोर्ट में यहाँ पे लाया गया है आज साक्ष्य के तौर पर बताने के लिए कि पीयूष जैन के यहाँ से क्या क्या रिकवरी हुई है, जिसमें कानपुर कन्नौज तमाम और भी जगहों के जो छापेमारी है उन सबके डॉक्यूमेंट शामिल है। अभी भी तमाम और भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको खंगाला जा रहा है, तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि अभी फिलहाल इस पूरे मामले में जो सियासी घटनाक्रम है वो और तेज होगा क्योंकि इस पूरे मामले में जो बैंक अकाउंट्स की जो डिटेल थी वो भी अब हाथ में आ गई है, जहां से पैसे जो है निकाले गए थे, एक सीरीज नंबर थी उस सीरीज के बारे में पता लगाने की कोशिश की जा रही है। कुल मिलाकर विशाल में लौट रहा हूं आपके पास। तुषार, चूंकि आप कन्नौज में मौजूद हैं और आप सब कुछ देख पा रहे हैं, आज बड़ी बड़ी मशीनें मंगाई गई थी नोट गिनने के लिए, क्या ये माना जाए तुषार के आने वाले वक्त में और ज्यादा बड़े काले साम्राज्य का खुलासा होगा, जल्दी से तुषार बताइए। निश्चित तौर पर देखिए कई
बड़े काले साम्राज्य का खुलासा होगा और कई काले लोगों का भी खुलासा होगा, क्योंकि देखिए ये केवल एक आदमी के बस का नहीं है, ये जरूर इसमें कई लोग शामिल होंगे और अब वो खुलासा होगा कि कौन कौन लोग इसका साथ देते थे, कौन कौन लोग इस काले धन को इकट्ठा करने में इसका सहयोग करते थे, कहां से ये पैसा आया। तो निश्चित तौर पर सिर्फ और सिर्फ केवल एक आदमी के बस का नहीं। आप देखिए ये पूरा घर है उनका, और मैं बताऊं तो कम से कम 5000 स्क्वायर फीट में ये घर है पीयूष जैन का। तो पीयूष जैन के बारे में अगर मैं बात बताऊं तो आसपास के लोग भी जो बता रहे हैं कि वो किसी से बातचीत नहीं करते थे, स्कूटर से करते थे। तो अगर इतने लो प्रोफाइल थे तो फिर इतना ज्यादा अचानक से हाई प्रोफाइल हो गए तो वो कैसे बने। तो उसके लिए निश्चित तौर पे अभी और जो लोग हैं इसमें शामिल, इसके काले साम्राज्य से जुड़े हुए लोग हैं, इसके जो काले धन है उसमें जो जो लोग सहयोग कर रहे हैं और कहां कहां और काला धन छुपा हुआ, ये सभी खुलासे होंगे और इसी वजह से पुलिस अभी इनसे रिमांड लेगी 14 दिन की। जब प्रिया भी मेरे साथ लगातार वाराणसी से बने हुए, प्रिया बड़ी बात यह है कि अब तो ये साफ हो गया है कि ये काला धन था और इसीलिए अब ईडी इस पूरे मामले की जांच करेगी। ये बात पहले क्यों नहीं पता चल पाई ईडी आईटी जीएसटी? बिल्कुल अजीत, और देखिए सवाल भी इसी को लेकर है कि कोई व्यक्ति इतना बड़ा अमाउंट, इतनी बड़ी रकम धीरे धीरे इकट्ठा कर रहा है और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगती है। जांच एजेंसियां भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में जरूर है। और देखिए जो अखिलेश यादव ने कहा था वो कहीं ना कहीं सच हो गया है और अखिलेश यादव ने भी शायद कभी नहीं सोचा होगा कि उनकी बात ही सच हो जाएगी। और देखिए जिस तरीके से जो इतना बड़ा अमाउंट मिला है उससे यकीनन ये जरूर साफ हो जाता है कि जरूर कहीं ना कहीं से फंडिंग हुई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या इन पैसों का इस्तेमाल चुनावों में होने वाला था, क्या इसे चुनावों को प्रभावित किया जाना था, इसको लेकर देखिए अब ये साफ है कि ईडी भी आगे एक्शन मोड में आएगी। क्योंकि जिस तरीके से जीएसटी चोरी, टैक्स चोरी का पूरा मामला बना है, फर्जी कंपनियां सामने आई है, फर्जी दस्तावेज सामने आए हैं। फिर आपको रोक रहा हूँ, बीच में एक बड़ी खबर करिश्मा के पास है, सीधा प्रयागराज का रुख करता हूँ। करिश्मा बताइए क्या है बड़ी खबर आपके पास? बिल्कुल अंजीत, इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर अब ये मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि कई और ठिकानों पर छापेमारी की अब तैयारी चल रही है। बड़ी खबर आपको बता रही है, कोर्ट में आपको बता दे कि पीयूष जैन को पेश तो किया गया है, तस्वीरें भी लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे, लेकिन अब जो सोर्सेस के हवाले से जानकारी है वो ये कि कुछ और ठिकानों पर छापेमारी की तैयारी है। इत्र कारोबारी को रिमांड पर अब लेने की पूरी कोशिश है ताकि और खुलासे हो सके और ठिकानों के बारे में पता चल सके। और इसके साथ ही देखिए कोर्ट से 14 दिन रिमांड मांग सकती है सीजीएसटी की भी टीम। ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि रिमांड को बढ़ाया जाए। पूजा एक आखिरी सवाल संक्षेप में आपसे जवाब, क्या आपको लगता है कि अब तो ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि इसका इस्तेमाल चुनाव में ही होना था? कंफर्म तो अभी नहीं कहा जा सकता अंजीत, क्योंकि इतना बड़ा धन है, अब इसका इस्तेमाल चुनाव के लिए किया गया था या किसके लिए होने वाला था, ये तमाम सवालों के जवाब जो है सीधे सीधे जब रिमांड पर पुलिस लेगी, जब रिमांड पर तमाम अधिकारी लेंगे उसके बाद ही इन सवालों के जवाब पता लगेंगे। लेकिन ये काला धन है, ये काला साम्राज्य है और आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे होंगे और बड़े नामों का खुलासा होगा, ये कंफर्म जरूर कहा जा सकता है। पूजा बने रही हमारे साथ, तुषार आप भी बने रहिए, विशाल लघुवंशी आप भी, प्रिया आप भी और करिश्मा आप भी, आप सभी बने रहिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी, आप देखते रहिए जी हिंदुस्तान।